जय हिंद बंधुरा, आशा करी अपनारा भालो आछेन। आमी आपनादेर बंधु एक्सोल्जर फिरदौस मंडल, आपनारा हाजिर प्री डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 में टोटल कितना वैकेंसी आने वाला है ऑलरेडी न्यूज़पेपर में दे दिया है, 25,271। पर कितना आ सकते हैं, क्या इतना कम आएगा 25,271? तो ये चीज़ जानने के लिए आपको पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जिसको प्री डिफेंस अकेडमी में एडमिशन लेना है, खास खास पे वेस्ट बंगाल के अंदर जो स्टूडेंट है, वो आके हमारा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से क्लिक करके एडमिशन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, एसएससी कांस्टेबल जीडी ने 2021 में टोटल जो पेपर में लिखा है वो 6 पैरामिलिट्री फोर्स दिया था, जिसके अंदर एनआईए एंड सीआरपीएफ का वैकेंसी इंक्लूड नहीं था। इसलिए ये जो वैकेंसी आने वाला है, इस वैकेंसी हम लोग कोई भी बंदा ये नहीं कह सकते हैं ये 25,271 से, क्योंकि सीआरपीएफ एशिया का सबसे बड़ा फोर्स है। और आपको मैं बोलना चाहूँगा, इस फोर्स हर टाइम्स डेवलप हो रहा है। इंडिया का अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए इस फोर्स को डेवलप करना गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। मैं छोटा से छोटा पकड़ के चलूँ तो इस फोर्स में लगभग 18,000 प्लस रिक्रूट होगा, ये मान के चलिए आप लोग। जितना भी कम आए, आपका वैकेंसी 43,000 प्लस आएगा। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, अभी हम और आप सब मिलके थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं, जब वैकेंसी आ जाएगा आपको पता चलेगा। मेरे बिलीव्ड नहीं होता इतना कम वैकेंसी आएगा, क्योंकि मैं एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था इंडिया के अंदर इस टाइम लगभग 6.5 लाख से ज़्यादा फोर्स ज़रूरत है, और इतना कम वैकेंसी कैसे आएगा। इसलिए मेरा हिसाब से ये वैकेंसी 50,000 से ज़्यादा आना चाहिए, तब भी पेपर में जो लिखा है, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, हम लोग इसको इनकार नहीं कर सकते। पर ये चीज़ सही है जो एसएससी ने दोनों जो चीज़ इसमें बताया नहीं, तो इसलिए आपका पकड़ के चलिए इससे ज़्यादा आपका फोर्स आ जाएगा। तो आपका क्या राय है आप ज़रूर कमेंट में दीजिए, और मेरे पास जितना जल्दी जानकारी आ जाएगा उतना जल्दी आप लोगों को मैं जानकारी दे दूंगा, क्योंकि आपको मालूम है हम लोग एसएससी का सबसे आगे आपको न्यूज़ देते हैं। थैंक यू।